नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं जीकेएम 8.2 के बारे में। ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है ग्रेटनेस करके डेवलपर की तरफ से ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर हमने रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर गूगल कैमरा 8.2 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर हमारे पास है Redmi Note 10 Pro डिवाइस, इस डिवाइस के साथ भी हमने यहाँ पर जो है गूगल कैमरा 8.2 का जो ग्रेटनेस का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इसी जीकेएम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ कुछ नया फीचर को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इसी गूगल कैमरा का जो इंस्टॉलेशन है प्लस रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमने Redmi Note 7, Redmi Note 10 Pro, Poco A1, Realme 5 Pro प्लस Samsung डिवाइस के साथ इस गूगल कैमरा को ट्राई किया है। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है दोस्तों Redmi, Xiaomi, Poco, OnePlus, Samsung डिवाइस के साथ काम कर जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वहां पर जाके इस जीकेएम को डाउनलोड करना होगा। एंड यहाँ पर Samsung, OnePlus प्लस यहाँ पर जो है अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग बिल्ड देने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके Samsung डिवाइस के लिए, OnePlus डिवाइस के लिए प्लस Redmi, Xiaomi डिवाइस के लिए इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। पर Android 10, Android 11, Android 12, Android 13 के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करता है। यहाँ पर हमने Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर Android 12 को इंस्टॉल किया है। यहाँ पर Android 12 के साथ Corvus OS का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर Corvus OS के साथ Android 12 के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जा रहा है। किस तरह से Corvus OS को Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो रिव्यू वीडियो है एंड इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। पर Android 12 के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करेगा। प्लस हमने यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर Android 13 को इंस्टॉल किया है। पर चेरी सोएस 4.0 का बिल्ड है Android 13 के साथ Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। तो उसका जो इंस्टॉलेशन वीडियो आप सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देखो। तो यहाँ पर Android 13 के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करता है। ना पर बात कर लेते हैं ये जो जीकेएम 8.2 का जो बिल्ड है इसे किस तरह से इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो जीकेएम का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा वहां पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना होगा। सिंपली हम यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इस गूगल कैमरा को यहाँ पर जो इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपली इस जीकेएम को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जो कुछ इस तरह से यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर जो है पहले दफा जब इस जीकेएम को आपको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद इस जीकेएम को यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद इस जीकेएम को यूज कर सकते हो। तो बहुत ही इजीली आप इस गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा Redmi, Xiaomi, Poco, OnePlus सभी डिवाइस के ऊपर ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करता है। एंड फीचर की अगर बात करें तो जीकेएम 8.2 के इस अपडेट के साथ जो क्या क्या फीचर को ऐड किया गया उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस गूगल कैमरा के साथ जो है OTA अपडेट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो अगर आप लास्ट बिल्ड के अंदर हो तो आप सिंपली OTA अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। OTA अपडेट के साथ भी इस गूगल कैमरा का जो नया वर्जन है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस जीकेएम के साथ जो है OTA अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। आप सिंपली ये जो चेक फॉर अपडेट्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करने के बाद जो है नया वाला जो वर्जन उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर नथिंग फोन 1 का जो ऑटो ऐड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। काफी बढ़िया बात है। इस गूगल कैमरा के साथ नथिंग फोन 1 के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम करते हैं प्लस नथिंग फोन 1 का जो ऑटो ऐड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ डिवाइस के ऊपर जो ऑक्सिलरी कैमरा का जो ऑप्शन है एनेबल रहता है। बेसिकली यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट इस गूगल कैमरा के साथ मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल रहता है अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का सपोर्ट है। बेसिकली इस जीकेएम के साथ आप सिंपली वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, माइक्रो लेंस प्लस जूम लेंस को यूज कर सकते हो। काफी बढ़िया बात है। ये पर वन प्लस नॉट का जो फ्रंट कैमरा के साथ अल्ट्रावाइड लेंस को ऐड किया गया है। प्लस पर जो है माइक्रो मोड का जो नॉइस मॉडल है ऐड किया गया है। एंड ये पर ऑटो एडिबल लेंस एंड नॉइस मॉडल को अगर आप चाहो तो ये पर जो है सेपरेट कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है। प्लस पर वन प्लस 8, वन प्लस 8T, वन प्लस 8 प्रो डिवाइस के ऊपर एंड सैमसंग डिवाइस के साथ भी ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। काफी बढ़िया बात है। आप डेफिनेटली इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखो।
एंड ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है इस एचकेएम के साथ। यहाँ पर ओटी अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड के भी ऐसे डिसेबल कर सकते हो, यहाँ पर गोल लेंस का जो सजेशन है ऐड किया गया है। एंड फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर कैमरे के ऊपर जो है नाइट साइड फीचर अवेलेबल है, यहाँ पर HDR मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप HDR एनहांस मोड को एनेबल कर दोगे तो ये जो मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है, ये जो टॉप शॉट का जो ऑप्शन है, जो लाइव फोटोज का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा। HDR एनहांस मोड के साथ टॉप शॉट का जो ऑप्शन से काम नहीं करते। अगर आप HDR मोड को एनेबल करते हो, ऑन करते हो, तब दोस्तों यहाँ पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो सनसेट मोड का जो बटन इसे भी ऐड किया गया है, सनसेट बटन जो है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है, आपको अलग से एनेबल नहीं करना होगा। अगर आप HDR एनहांस मोड के साथ जो है फोटो को क्लिक करोगे तो पर्चे फोटो के साथ जो है काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। प्लस अगर बात करें नाइट साइड मोड के बारे में, पर्चे नाइट साइड मोड के साथ जो है पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो बटन है ऐड किया गया है इस एचकेएम के साथ, जो काफी बढ़िया एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड के साथ जो है पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर फोकस के ऊपर ऑटो नियर फार इन्फिनिटी ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात। पर मैनुअल फोकस का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, ये चीज हमने नोटिस किया है। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर इस एचकेएम के साथ जो है अगर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है, सिंपली यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा को यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर कैमरा पोर्ट्रेट मोड एंड नाइट साइड मोड के लिए आप सिंपली यहाँ पर जो है जिकम की यूज करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्पेशली स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप जो सिंपली स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है 4K प्लस पर जो है फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर आपके डिवाइस को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो इस गोल कैमरा के साथ आप सिंपली 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस पर जो है ऑटो FPS 30 FPS 60 FPS का ऑप्शन है, पर 4K 60 FPS का सपोर्ट होना चाहिए अगर आप 4K 60 FPS वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो आपके डिवाइस के साथ। प्लस अगर वीडियो स्टेबलाइजेशन को स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, बट वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ जो है इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। प्लस अगर ऑटो नाइट साइड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है पोर्ट्रेट मोड एंड यहाँ पर जो है कैमरा के साथ। यहाँ पर टाइम लैप्स के ऊपर 1x 5x 10x 30x 120x का ऑप्शन है, पर 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है इस एचकेएम के साथ। प्लस पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन है पर फिलहाल काम नहीं कर रहा है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप सिंपली स्टॉक कैमरा की यूज करो। यहाँ पर पैनोरामा एंड फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है। अगर आप 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो, यहाँ पर 360 फोटो को क्लिक करने के लिए गोल कैमरा के साथ है जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर जो है पैनोरामा का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है जीकेएम के साथ। इसके साथ जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर सोशल शेयर का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर गेशेस का ऑप्शन है, गेशेस के साथ जो है सिंपली यहाँ पर जो है गेशेस के साथ जो पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर सिंपली डबल टैप करते ही यहाँ पर जो जूम हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो, जो है वॉल्यूम बटन के साथ वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। सिंपली गेशेस के साथ जो है पर फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन को एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है गोल कमांड के साथ। यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख पाओगे कितने मिनट तक वीडियो कितना फोटोज क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो है HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का ऑप्शन है। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी को आप ऑलवेज ऑन कर सकते हो। यहाँ पर सनसेट बटन को एनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर HDR फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप HDR फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो फोटो के साथ काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर लिप पेचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस बटन है। यहाँ पर लिप पेचर के साथ जो फोटो का जो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो, लिप पेचर के साथ मैनुअल कंट्रोल देने को मिलेगा, लूमा क्रोमा सैचुरेशन ISO का जो है मैनुअली कंट्रोल करके फोटो का जो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो, पर लिप पेचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर नॉइस मॉडल के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन है, पर वन प्लस नॉट का ऑप्शन है, रेडमी नोट 10 प्रो MI 11X पिक्सल 4a वन प्लस 7 प्रो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर सैमसंग S22
अल्ट्रा सैमसंग का जो S22 FE का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है नॉइस मॉडल के ऊपर। ऑटो वाइड बैलेंस की अगर बात करें तो ऊपर जो है नथिंग फोन 1 को ऐड किया गया है ऑटो वाइड बैलेंस के साथ, जो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस जीएम के साथ जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, टेलीफोन लेंस, वाइड एंगल लेंस का ऑप्शन है, मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस गोल कैमरा के साथ। एंड यहाँ पर जो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर जो है फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, प्लस ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, सिर्फ सेल्फी सेस प्रीव्यू, वीडियो स्टेबलाइजेशन, प्लस ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे इनेबल करने के बाद जो वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो पर इस जीकेम के साथ जो ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, आप डेफिनेटली इस जीकेम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग जीकेम का जो बिल्ड है उसे आप ट्राई करके देख सकते हो। रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 8.6 का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके लेटेस्ट जीकेम को ट्राई करके देख सकते हो। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। Bye-bye.